अपने डागर फैमिली ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। सभी को राम राम। हो चुके हैं रात के 11, देखो टाइम 11:10 हो चुके हैं और अब मैं काट रही करेला। अभी करेले को काट के रख दूंगी और सुबह आराम से बढ़ जाएगा। सोच रही टाइम बच जाएगा। जी करेले कट चुके हैं मेरे और अब इनमें मैं नमक डाल के रख दूंगी और सुबह इनको धो लूंगी। ये लग चुकी है मेरी मशीन, मैंने लगा दी है मशीन। यो भेजा लूँ और इतना मशीन चलती है, इतना मैं लगा लेती हूँ झाड़ू क्योंकि कमरा मैंने सारा संगवा दिया है। हो चुका है मेरे कमरे की, ये देखो सोफे साफे सारे ठीक हो गए हैं और अब मैं लगा लेती हूँ झाड़ू। तू फटाफट झाड़ू, इतने मेरी मशीन का राउंड होगा, इतने झाड़ू का काम खत्म कर देती हूँ। बर्तनों को जब भी धोए इनके रिंग को सारा वैसे इकट्ठा कर दिया और फिर एक सॉक्स में डाल दे। कपड़े धो चुके हैं और मैं कपड़े कुछ तो सुखा दिए कुछ सुखा रही हूँ क्योंकि मौसम का कुछ नहीं पता कब बारिश आ जाए। आज है 1 तारीख और 1 तारीख में मेरे लिए सबसे बड़ी बात होती है गाहकों के नाम लिखने की, क्योंकि हमारा है दूध का काम और रजिस्टरों की रजिस्टर मेरे हाथ में आ चुका है और अब मैं बैठ कर लिखूंगी गाहकों के नाम और मेरे पति देव बताएंगे गाहकों के नाम। जो कि ये रे अब ये लेट कर बोलेंगे गाहकों के नाम और मैं लिखूंगी। ये बाय बाय कर रहे हैं, इनकी बाय बाय, हम बाय कर रहे हैं, आए कर रहे हो बाय कर रहे हो, ये बाय बाय कर रहे हैं, हम बाद में मिलते हैं क्योंकि अब मैं लिख लेती हूँ गाहकों के नाम। पति की फरमाइश पर बन गया है ट्रायंगल पराठे, अपने देसी भाषा में कहे जाए तो तीन कोने वाले पराठे। चलो जी देखो इंसान कमाता किसके लिए, खाने के लिए। तो इंसान को उनका मनपसंद खाना मिल जाए तो वो तो खुश होते ही हैं, बनाने वाले को भी संतुष्टि मिलती है। और इनकी थाली करेले की सब्जी लस्सी करेला लस्सी और पराठा। चलो इससे पहले इसके मार देते हैं फिर पल पे। चलो जी उसका खाना दे चलते हैं और देखते हैं उसका उनका रिएक्शन कैसा है। ये भाई मेरा खाना उनको जम चुका है, जिस किसी ने भी खाने हैं ट्रायंगल यानी कि तीन कोने वाले पराठे आ जाओ और मेरे साथ खाना खा लो। ये देखो मैंने इतने कपड़ों को प्रेस कर दी है, ये इतने तो ये हैं और इतने इधर इतने ये हैं और ये देखो इधर सब की टी शर्टें हैं। ये दिखाती हूँ कितने टी शर्टों को मैंने प्रेस करी है, एक ये देखो एक कुर्ता, ये बेटे की शर्ट और टी शर्ट देखो अभी गिनती हूँ, एक दो तीन चार पाँच, इतने कपड़ों के आज मैंने प्रेस करी है
और ये देख कुर्सी पर पहले दिखाया था मैंने कितने सारे कपड़े थे और अब इतने कपड़े बच गए हैं, इनको देखते कल करते हैं इन कपड़ों को परहेज, क्योंकि अब हो गया खाने का टाइम और मैं कर लेती हूँ अब खाने की तैयारी। आज बनाएंगे दम आलू और इसके लिए मैं पहले इन आलुओं को ये रे छोटे छोटे आलू इनको उबलने के लिए रख देती हूँ। इन आलुओं को मैं पहले वॉश कर लेती हूँ अच्छी तरह से, फिर ये देखो वॉश करके अच्छी तरह से धो धा के इनको फिर उबलने के लिए डालूंगी। देखो जी आज किचन में मोर्चा संभाल लिया लक्ष्मण जी ने। लक्ष्मण जी एक बार हेलो कर दो, देख लो इधर। हेलो। और ये क्या बना रहे हैं ये देखो आप। आज आज किचन का मोर्चा इनको दे दिया संभालने के लिए, क्योंकि ये बना रहे दम आलू की सब्जी जो कि मेरे बच्चों को इनके आज की ही पसंद आती है, इसलिए आज आज इनको खड़ा कर दिया किचन में। उसमें चार मिर्ची पीस दी है मैंने, हरी और मिर्ची थी ये तो इसमें है। ये देखिए पहले मैंने फाइल गर्म कर सरसों तेल गर्म कर लिया था, मैं जीरा डाल दिया और पीसे हुए प्याज और लहसुन दोनों चीज़ कट्टी पीस ली थी वो डाल दी। उसके बाद डाल दिया इन्होंने नमक, नमक तो देखो अभी इनको सुनहरा होने तक पकाएंगे, उसके बाद क्या डालोगे? मसाला। ये क्या है? थोड़ा सा नमक, ये नमक और हल्का गरम मसाला। हल्का सा ये इन्होंने डाला ये गरम मसाला, थोड़ा सा ये धनिया पाउडर, घर का पिसा हुआ सब क्या पिसा हुआ धनिया पाउडर भी और गरम मसाला भी जो तो मैं लाकर घर पर ही पीसती हूँ, हल्दी इनको पकाएंगे अच्छी तरह से। अब ये अच्छी तरह पक जाएगा, उसके बाद डालेंगे इसमें आलू क्योंकि ये हल्के से फ्राई करने होते हैं, अगर टमाटर डाल दिए तो फ्राई नहीं हो पाएंगे, और भी इनको डाल के थोड़ा इनको इसी के अंदर साथ के साथ ही फ्राई कर लेंगे। आज किचन में सेफ ही है बने दिन। चलो भाई कभी कभी हमें भी थोड़ा आराम मिल जाता है, मैं तो अपना ही अपना काम खुद ही करना पड़ता है किचन में, सुबह सुबह घुस जाओ शाम तक घुसे रहो। देखो अब आलू ना देखो ऐसे हो गए सुनहरे सुनहरे, अब इनमें टमाटर डाल देंगे, टमाटर और हरी मिर्च जो मिर्ची मैंने पीस के रखी हुई इनको साइड में करती हुई है आलू को, और अब टमाटर पका लेंगे, टमाटर मिक्स कर देंगे अच्छी तरह से इसमें। अब जिसे जैसी ग्रेवी चाहिए तो ज़्यादा ग्रेवी चाहिए तो उसी हिसाब से इसमें पानी डाल लेंगे, क्योंकि हमारा तो खाते ही ग्रेवी वाली तो उसी हिसाब से इसमें पानी डालना जाएगा। टमाटर भून लेंगे ना, अभी टमाटर थोड़ा भून लेता उसके बाद पानी डालेंगे। टमाटर का कलर कैसा चेंज सा हो गया है क्योंकि अभी टमाटर पक चुके हैं और अभी इनमें डालेंगे पानी। इसमें टमाटर पीसे थे इसी में डाल के यही तो ये इसके चारों तरफ है ना टमाटर की ग्रेवी सी लग जाती है, और जब ये पक जाएगा पूरा फाइनल लुक भी दिखाएंगे। आप
के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, अपना सपोर्ट बनाए रखना, चैनल को लाइक शेयर कर देना और कमेंट करना ना भूलना।